बोला था ना तू सीधा घर आएगी, किससे पूछे गई तू वहाँ? तू रुक, तेरे को ना मैं घर आके बताती हूँ। मैम प्रेशर ज्यादा तो नहीं हो रहा ना आजकल के बच्चे ना? इन्हें लगता है यही ना हमारे बाप है। अब आप ही बताओ, एयर होस्टेस का प्रोफेशन ज्यादा अच्छा है या टीचर का? अब यार अच्छी खासी नौकरी है, वही सुबह बंदा जाए दोपहर तक वापस आ जाए। मैंने तो इसे हजार बार बोला टीचिंग के लिए प्रिपेयर कर ले, जेबीटी का पेपर दे दे, पर नहीं, इसे तो एयर होस्टेस ही बनना है। मेरे को तो समझ नहीं आता इसकी बुद्धि कहाँ जाएगी। तो दीदी प्रेशर तो ज्यादा नहीं है? मतलब यार इसे कितना ही बोलो इसे समझ ही नहीं आता है। इसे तो अपने मन की करनी है। प्रेशर तो नहीं ज्यादा दीदी? ध्यान से, मतलब पिछली बार रैशेज हो गए थे ना, और स्किन आप जानते हो सेंसिटिव है, हर बार कराती हूँ आपसे। नहीं वैक्स थोड़ी गर्म है, ऑफ कर दीजिए। ऑफ है ऑटोमेटिक? नहीं ये वाला जो स्विच है ना बटन, उसको दबा दो फिर ऑफ हो जाता है। ऑटोमेटिक है, ऑफ हो रखा है, देखो वो गर्म हो रहा है। ऑफ कर दो भगवान के लिए, ऑफ कर दो। अरे ऑफ है दीदी, आप ना बाल ज्यादा मत काटना, मैंने बहुत मेहनत से ग्रो किए हैं। आप मुझे एक बार दिखा दो आप कितने काटोगे एग्जैक्टली? इतना ठीक है दीदी? थोड़ा कम दीदी, थोड़ा कम। ये ठीक है? ठीक है। निकल गए सारे डैमेज बाल। दीदी प्लीज थोड़ा ध्यान से करना, मेरी स्किन बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, पिछली बार भी मुझे कट लग गया था। ऐसे पकड़ो दीदी प्लीज, थोड़ा ध्यान से करना। टाइट पकड़ के रखो बस। दीदी आज खेलूंगी नॉस्ट्रा प्रो पे गेम और जीतूंगी कैश प्राइज। हाय कितने सिंपल सवाल है ये, तो मैं 2 मिनट में आंसर कर दूंगी। दीदी चलना, जितने सही जवाब उतने ज्यादा पॉइंट्स, जितने ज्यादा पॉइंट्स उतने ज्यादा पैसे। हाय दीदी अभी सूखा नहीं है। एक ही बारी में सारे पैसे ना या तो यूपीआई से बैंक अकाउंट में डाल लूंगी या पेटीएम में ले लेती हूँ। हाय अभी तो T20 कॉन्टेस्ट भी चल रहा है, मैं तो कहती हूँ आप भी हाथ के हाथ ना डाउनलोड मार लो, क्रिकेट वॉलीबॉल कबड्डी या अपने पसंद के किसी भी स्पोर्ट्स की प्रेडिक्शन करो और कैश प्राइज जीतो। दीदी सूख गया है। आ रही हूँ। हो गया हो गया। और लास्ट स्टेप क्या है? लास्ट स्टेप जेल, जो पिछली बार किया था। जेल इसमें नहीं होता। पिछली बार तो किया था आपने, आपने कोई दूसरा करवाया होगा। हो गया। दीदी यहाँ पे रह गया थोड़ा सा, देखो ये नहीं निकलेगा। क्यों? ये ग्रोथ नहीं आई है, आपने रेजर वेजर मारा होगा ना, ये पूरी ग्रोथ आई नहीं है अभी। सही से पकड़ो ना, आप ढंग से पकड़ोगे तभी तो होगी। आप ना टाइट नहीं पकड़ रहे, आपने पहले आईब्रो नहीं कराई है क्या? रुको मैं आपको बताती हूँ कैसे पकड़ना है। हो गया। अरे दी एक बाल रह गया उधर पे, इधर पे तो किया ही नहीं। ये तो आपकी नेचुरल ग्रोथ है, बढ़ने दो इसको, अच्छी शेप आएगी बाद में। तेरे को तो डैंड्रफ हो रखा है, गर्म पानी से सर धोती होगी। कितनी टैनिंग हो रखी है तेरे को, बोला था ना सनस्क्रीन लगाया कर। कितने खराब कर रखे हैं बाल, ये तो काटने पड़ेंगे। कितनी ग्रोथ आ रखी है भालू जैसी। सही से पकड़ना, पहली बार करा रही है सेटिंग। ग्रोथ तो है ही नहीं, क्या वैक्सिंग करा रही है अभी? तो पिंपल्स हो रहे हैं आपके फेस पे। कुछ पानी वानी नहीं पीती क्या आप? थोड़ा वेट तो तेरा बड़ा है। सफेद बाल कैसे हो रहे हैं तेरे को, कलर लगाती है क्या? इतनी ड्राई कर रखी है ना तूने अपनी स्किन, बिल्कुल केयर नहीं करती। बिकिनी वैक्स करानी है? वैक्स करूं तेरी।
बेटे तेरे ना फेस पे बहुत ब्लैक हेड्स हो रहे हैं, तू ना क्लीन अप ले ले। वैसे कौन सा शैम्पू यूज करते हो आप? नहीं वो आपके बाल बहुत डैमेज हो रखे हैं ना, लगता है इनको सूट नहीं कर रहा। अरे बेटा एक बार करवा के देखी तभी तो पता लगेगा। मैं आपको शैम्पू बताती हूँ, आपके हेयर के टेक्सचर के हिसाब से ना बिल्कुल बेस्ट है। तू जितना स्ट्रेस लेगी ना तेरा एक्ने उतना ही बढ़ेगा। आप भरोसा तो करके देखो, आपको मैं सही चीज ही बताऊंगी। तू एक बार करा देख तेरे फेस पे कैसा ग्लो आता है। वैसे तो 1000 है पर आपके लिए मैं 800 में कर दूँ। इतनी टैनिंग हो रखी है तेरे को, तू क्लीन अप क्यों नहीं ले लेती? आपके बाल पहले से बहुत बेटर हुए हैं, है ना? हाँ, अब आप पिछली बार आए थे कितने डल थे, अब देखो कितने शाइन मार रहे हैं। पर अभी ना आपका टेक्सचर पूरे तरीके से ठीक नहीं हुआ है, आप ना केराटिन करा लो। अच्छा आप कहीं बाहर बाहर गए थे क्या दीदी? हाँ नानी के घर गई थी। अच्छा नहीं, वो आपकी ग्रोथ नहीं आ रखी ना, करवाया होगा आपने वहां से। दीदी दोनों आईब्रो अलग अलग हो रखे हैं आपकी, किससे करवा रखी है आपने? दोनों की शेप कितनी अलग अलग हो रखी है, इसको तो ठीक करने में पता है कितना टाइम लग जाएगा। अलग अलग लोगों से मत करवाया करो बार बार, सारी शेप खराब हो जाती है। आपको बोले ना आप एक ही से कराया करो। कितने रूखे हो रखे हैं तेरे बाल, शिकाकाई लगाया कर। मेथी को पीस ले तू और उसे भिगो के पूरी रात रख, उसे दही में मिला के लगा बालों में, क्या सिल्की हो जाएंगे तेरे बाल। एक अंडे में ना बारीक सा छेद करियो सेफ्टी पिन पे, सिर्फ एग वाइट निकलेगा, उसको दही में डाल के लगाइयो बालों पे, ऐसे सिल्की बाल हो जाएंगे कसम से। मेरे पास ना मुल्तानी मिट्टी है नहीं, वरना मैं ही दे देती तेरे को। मुल्तानी मिट्टी से बाल धोएगी ना कभी कोई है प्रॉब्लम नहीं होगी तेरे को। खीरे को कर कद्दूकस, उसमें मिला दही, थोड़ा सा नमक, चिली पटेटो, अचारी मस्ती के चिप्स और कोका कोला, उससे धो बाल एकदम ना क्लीन हो जाएंगे क्लीन। वैसे आपके बाल भी ना दीदी पहले से ना बहुत बेटर हुए हैं। मेरे को याद है जब आप पहली बार आए थे पानी डालती थी सारा पी जाते थे, पर आप बड़ा मेंटेन करके भी तो रखते हो, हर 10-15 दिन में तो आप चक्कर ही लगा लेती हो। आपको पता है दीदी ऐसी ऐसी लड़कियां होती है ना 2 रुपए खर्च के राजी नहीं है। अभी जो गई थी आपसे पहले आएगी, थ्रेडिंग कराएगी और चल देगी, उसमें भी डिस्काउंट। अब बताओ कौन से मुंह से एक आदमी थ्रेडिंग पे डिस्काउंट मांगता है, और क्या डिस्काउंट दूं मैं उसको, 30 रुपए के 10 रुपए कर दूं। वैसे दीदी आप बड़े दिनों बाद आई। हाँ वो थोड़ा काम का स्ट्रेस रहता है ना। अच्छा वैसे दीदी काम का प्रेशर तो मेरे ऊपर भी बहुत रहता है, 24 घंटे ना दुकान दाना दन भरी रहती है। आज तो थोड़ी खाली है, कभी भी ना 10-15 लेडीज एक साथ आ जाएंगी बिना अपॉइंटमेंट लिए, अब मैं अकेली क्या क्या संभालूं। रीमा तो किसी काम की है नहीं, पूरा दिन अपने फोन में लगी रहेगी। खैर उसका छोड़ो, आपकी स्किन देखो कैसी चमक रही है, बिल्कुल नेचुरल ग्लो आ रहा है वैसे आपके फेस में ना दीदी। ये पता है क्यों है? आप कितनी मेंटेनेंस भी तो करते हो अपने फेस की, आप ना किसी और का हाथ लगवाते नहीं ना, इस वजह से भी बहुत सही है आपका फेस। नहीं तो मैं बताऊं आपको, लोग ना इतने अनहाइजीनिक तरीके से रखते हैं अपने पार्लर, कुछ गंदा शंदा हाथ लगा देंगे, आपकी स्किन तो वैसे ही सेंसिटिव है। सही बात है कि नहीं? अब आप मेरे पुराने कस्टमर हो, आपको बताना मेरा फर्ज है। ऐसे आप किसी को बोलना मत, साइड वाली पिंकी है ना ऐसे गंदे तोलिए बदबू मारते हैं उसके तोलिए, धूप में तो डालती ही नहीं है, दुकान के अंदर ही सुखा के चल देती है रोज। वैसे दीदी आप वो किसके साथ आ रहे थे परसों शाम को बाइक पे? फ्रेंड्स। अच्छा नहीं मेरे को लगा बॉयफ्रेंड है, वो मैं शटर गिरा रही थी ना जब आप हग कर रहे थे उसको। वैसे आप अगर मतलब ऐसी कोई बात है ना तो मेरे को बता सकते हो, मेरे पास ना सबके सीक्रेट सेफ रहते हैं। आपको बताऊं वो है ना बी ब्लॉक वाली पंजाबन, अरे हेल्दी सी जो है। पिछले हफ्ते वो जा रही थी मेट्रो में किसी लड़के के साथ जा रही होगी, तो लिफ्ट में वो मतलब कुछ कर रहे होंगे, वो उनका ना सीसीटीवी में ना फुटेज आ गया, अब मेट्रो वालों ने ना उन्हें वहीं रोक लिया पकड़ लिया। मुझे तो ये रीमा बता रही थी, तब से उसकी माँ जहाँ वो लड़की जाए माँ पीछे पीछे, जहाँ लड़की वहाँ माँ। वैसे आपकी मम्मी कहाँ है आजकल? क्या आपकी पार्लर वाली दीदी भी आपके साथ ऐसे ही कुछ करती है? कैसी है आपकी पार्लर वाली दीदी कमेंट करके मुझे बताओ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे एक थम्स अप जरूर देना, कमेंट करके मुझे बताना आपका फेवरेट पार्ट क्या था। जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है वो अभी जाओ जाकर चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल नोटिफिकेशन दबाओ, और नॉस्ट्रा प्रो ऐप पे अभी एक T20 कॉन्टेस्ट चल रहा है जिसके थ्रू आप बहुत सारे कैश प्राइजेस जीत सकते हो, तो अभी जाओ जाकर लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में है जाके डाउनलोड करो, और मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए पुची बाय।